नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। ये प्रोग्राम हमारे बहुत ही विशाल गांव सोनेरा के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है। आज झिकड़ी का द्वितीय दिन, जिसके गायक चौधरी हरिशंकर डागोर निवासी नानू सोनेरा आगरा ढोलक पर संगति कर रहे हैं। भाई धर्मवीर सिंह चाहर चाहरवारी चाहरबाती क्षेत्र क्रावली से और झीका बजा रहे हैं पंडित घनश्याम जी रूपाश। इस प्रोग्राम को आपके पास पहुंचाने वाले हमारे देशवाल डीजे साउंड तो दीजिए आनंद जिंदगी का महान कवियों ने एक कवित्व का माध्यम से बताया है। आज का मानव कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु आदरणीय बंधुओं, हमारे संत कहते हैं, पर बुजुर्ग कहते हैं, पगले कुछ बनने के लिए कुछ चीजों का त्यागन करना पड़ेगा और कुछ चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा। संत बाड़ी में, संत समाज में मानव के लिए बहुत ही सुंदर चेतावनी तौर से सुनेंगे कि ज्ञानी बनन चाहे तो घमंड को दूर कर, ज्ञानी बनन चाहे तो घमंड को दूर कर, और धनी बनन चाहे तो धर्म को बढ़ाए जा, जीवनो चाहे तो जीवो पे दया कर, और जति बनन चाहे तो इंद्री बस में लाए जा, भागनो चाहे तो भाग बुरे कर्म से, भागनो चाहे तो भाग बुरे कर्म से, और आमनो चाहे तो प्रभु की शरण आए जा, नाचनो चाहे तो नाच लागे श्याम के, और गामनो चाहे तो गोविंद गुण जाए जा। तो लीजिए साखी, हरे लरा बड़ी धरियो की नहा मुझको सी
आदरणीय बंधुओं, ध्यान को ही पर केंद्रित करिए प्रसंग मेरा। कल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया भगवान कन्हैया ने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जरासंध के जन्म की कहानी सुना दी। कह दिया भैया वह जरासंध दो भाग में पैदा हुआ है, वो आपके यज्ञ को सफल नहीं होने देगा। धर्मराज बोले हैं प्रभु क्या मरने का कोई उपाय नहीं उसका? अरे जो दुनिया में आया है उसे जाना तो पड़ेगा। क्यों नहीं भैया? अवश्य ही मरने का उपाय है। इसके तीन विकल्प हैं। कौन से? नीत हमारी बल भीमा क्या मेरे पास नीति है और भीमसेन के पास ताकत है और गांडी ठाड़ी अर्जुन के पास विजय श्री पानी की योग्यता है। क्या नीत हमारी बल भीमा को योग्य पुरुष धन धान्य और तीनों में मनोक पठा दिमा पापी अत्याचार। सो धर्मराज ने कही कन्हैया, क्या धर्मराज ने कही कन्हैया मती लगावे तेरी या ते यज्ञ सफल हो। आप तीनों इसी वक्त मगध के लिए पूछ करिए उस पापी का वध करने के लिए। तो आदरणीय बंधुओं तीनों प्राणी देखिए मगध के लिए जा रहे हैं, लेकिन कैसा भेद और रूप बना रहे धर्मवीर। क्या लिखा भैया? मनमोहन के संग सज दो मां कुंती के जी।
पाप खत्म है जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या लिखा भैया? परमादरीय बंधुओ, इस पहन लियो पीतांबर पियो, ये जने जने उतारे है असर के पीछे चमक रे चोटी जिन भेष बेप्रको। ये 100 रुपए का पुरस्कार भाई राजवीर सिंह भौरे जी खंसवाड़ा वाले देते हैं इनकी गायकी पे खसो के, धन्यवाद। तो इतने बन गयो जरा सिंध, इधर तो तीनों मगध के लिए जा रहे हैं लेकिन उधर जरा सिंह का क्या हो रहा है? इतने बन गए जरा सिंह के, क्या तो पिकट बन हुआ वो चाकी मुनगेली पे बोल गयो, असगुन हो गया। कैसे असगुन हुआ बेटा, क्या हुआ धर्मवीर? के असगुन भय अने सगुन भय अनेक और चलो पगिया कुंवल मस्ता के असगुन भय अनेक और चलो पगिया कुंवल मस्ता चल दिया बगीचे में शांति मिलेगी। आगे बढ़ाया कदम, एक बिल्ली रास्ता काट गई फिर भी नहीं रुका, क्या हुआ? परिवेक्षक महोदय आने वाले पर खुश होते दिल में, धन्यवाद। अरे अगारी बढ़ के आयो है, में पड़ो नाग जाए पिसियर पायो है, अरे चोट दनी हो लो कछेली, कमल में लाया वो पापी, घर चल दिया वापस घर, घर जाकर के क्या देख रहा बेटा? अरे भाग पापी के भूत गए, अरे भाग पापी के भूत गए, अच्छा।
अब 3 मिनट तो कोई गारो ना होगा या भजन ही बढ़ा दो 3 मिनट है तो बेईमानी क्यों करवा। चलो गाना ही गा देता हूँ, एक आध 2 मिनट कोई फाल कोई बात ना फालतू है जाए। हमारे इस लोहागढ़ की आर बार साल हमारे जाट समाज के मसीहा और आदर्श महाराज साहब सूरजमल भरतपुर के अंदर दरबार लगा हुआ था, अपने सिंहासन पर विराजमान थे, सभी सिपहसालार मंत्री बैठे हुए थे। अचानक उसी दरबार में एक महिला रोती हुई प्रवेश करती है। महाराज साहब मैं आपके शरण में आई हूं। खड़े हो गए सिंहासन से, मेरे राज्य में औरतों पर संकट, कौन है तू? राजन मैं एक दुखी एक बेबस अबला हूं, एक मां, कहां से आई है? मैं टहरी से आई हूं, मेरी बेटी चंदन कौर को मुगलों ने जिंदा जला दिया है, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूं? बेटी जिंदा है? राजन बेटी तो मर चुकी है, तो बता मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं आपके पास कोई सहायता लेने के लिए नहीं आई, मेरी कोई सहायता मत करी। एक जेब से पत्र निकाला है, महाराज साहब के हवाले कर दिया, मेरी बेटी मरते मरती ये संदेश के पत्र आपके नाम छोड़ करके गई थी। राजन मुझसे कहा था मां अगर मेरी वाकई मौत का बदला लेना चाहती है तो तुझे कहां जाना होगा? उस पत्र के अंदर स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा हुआ था धर्मवीर? क्या कह रही है? सूरजमल को मैया मेरी पूरी कथा सुना दे। समाचार देना होगा, लेकिन जाना कहां पर? लो अगर कहां पर बसा हुआ है, क्या लिखा था? राजस्थानी वीर भूमि में, राजस्थानी वीर भूमि में लोहागढ़ राजधानी है, राजस्थानी भूमि में लोहागढ़ राजधान में सदा सत्य की लड़े लड़ाई हार कभी ना मानी है, सदा सत्य की लड़े लड़ाई। उन वीरों के आगे जाके उन जाटों के आगे जाके तू जोगी को फैला दे, जोगी को फैला दे। सूरजमल को मैया मेरी पूरी कथा सुना दे, सूरजमल को मैया मेरी पूरी कथा सुना दे। मां सिर्फ झोली फैला दे, उन वीरों को उन सूरों के सामने जाकर के मेरी मौत का बदला अवश्य लेंगे। और क्या लिखा था भैया धर्मवीर? पूछ करे जब तलबीरों का
चुप करे जब तल जाटों का ये तहल जाएगी दिल्ली है। कूच करे जब तल पीरों का तहल जाएगी दिल्ली है। इनकी हालत होगी जैसे शेर के आगे बिल्ली है। इनकी हालत होगी जैसे शेर के आगे बिल्ली है। अत्याचारी मुगलों के अत्याचारी मुगलों के तू कर्तव्य उन्हें बता दे। सूरज मल को मैया मेरी पूरी कथा सुना दे। अच्छा।